आज तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर कितनी खुश होती। सही कह रहे हो आप भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे ख्याल से रुखसती की जाए। हाँ हाँ बाब, पर मेरा मशवरा यह है कि होटल तो जाना है, तब हम लोग साथ चलते हैं और इन्हें सेटल करके आ जाते हैं। जी अंकल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और समारा है ना? हाँ, हाँ, हमें एस्कॉर्ट कर देते ना, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अंकल। अच्छा हाँ, मेरा भी दिल नहीं मान रहा है कि ये लोग अकेले जाएं। लेकिन आंटी आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग चले जाएंगे, फरहान की भी यही ख्वाहिश है। अब लेकिन ये तो बेजा जिद है कि आप दोनों अकेले चले जाए। हा? मतलब ये भी कोई रुखसती नहीं है ना कि दूल्हा दुल्हन अकेले निकल पड़े आधी रात को। अब एक काम करते हैं, आप लोग ड्राइवर ले जाओ बस। अंकल मुझे ड्राइव पसंद है। और अंकल आप बिल्कुल फिकर ना करें, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन बेटा 15 मिनट की ही ड्राइव है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने तय कर लिया तो क्या कह सकते हैं, आजकल के नौजवानों को अपनी मर्जी मनवाने की आदत पड़ गई है। चलो बच्चों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, चलो बेटा। क्या हुआ, थक गई हो? नहीं, बल्कि सारी थकान दूर हो गई है। फरहान, कितना अच्छा होता ना अगर हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हमारे घर से करते, ना कि किसी होटल रूम से। हाँ सही कह रही हो अनम, मैं भी यही चाहता था। लेकिन उमेर ने इतने प्यार से होटल स्टे गिफ्ट किया है, उसे मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। देखना बहुत जल्दी हम इस 5-स्टार होटल से अच्छा अपना घर बनवाएंगे। एक आलीशान घर होगा हमारा, जहां पे 3-4 पॉश गाड़ियां होंगी, ढेर सारे नौकर होंगे जिन्हें तुम किसी क्वीन की तरह ऑर्डर दिया करोगी। देखना फरहान, घर ये गाड़ी ये सब इतनी खुशियां नहीं देते। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अब तो मेरा एक ही ख्वाब है, एक हमारी छोटी सी फैमिली हो जिसमें हमारे 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हों, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारे 2 बच्चे होंगे लेकिन दोनों लड़कियाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूबहू, जिनकी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नाक हो, एकदम प्यारी सी। ओके फरहान, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अनम, 6 साल, 6 साल लगे तुम्हें पाने के लिए, और इन पिछले 6 सालों में बस मुझे यही फिक्र सताती थी कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली हमारे रिश्ते को रिजेक्ट ना कर दें। जान तुम मेरी जिंदगी हो, तुम हो तो मेरा वजूद है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। जब से मिला है तू फरहान, तुझसे राबता। Thank you.
डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कब होश आएगा? दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी बेटी कोमा में चली गई। क्या, कोमा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर आप हौसले से काम लीजिए, हम उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई देन सर्जरी करनी पड़ेगी। सर जी, ऑपरेशन के बाद तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? सर कोमा पेशेंट्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोमा पेशेंट्स को होश में आते आते कभी कभार महीने, कभी कभी साल लग जाते हैं होश आने में। इस वक्त हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है कि कितना वक्त लगेगा। ऑल आई कैन से इज आप फिकर मत कीजिए, शी इज इन गुड हैंड्स, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्या हो गया? अंकल, अंकल खुद को संभालिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी बेटी की इस हालत के सिर्फ तुम कसूरवार हो, सिर्फ तुम। क्या बिगाड़ा था मेरी पूंजी बच्ची ने तुम्हारा? क्या सोचा था तुम्हें कि रात को चले गए गाड़ी लेकर अकेले? ये तो ना समझती, तुम तो सोचते। मना कर रहा था अकेले मत जाओ, गाड़ी लेकर मत जाओ, लेकिन नहीं, अपनी सोच रहे थे तुम। देखो क्या हो गया, मार डाला मेरी बच्ची को, जीते जी मार डाला। कुछ तो सोचा होता, आखिरी सहारा थी वो मेरा, आखिरी सहारा। Excuse me, Mr. Faran, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन चाहिए, प्लीज आप चलेंगे? नहीं नहीं, ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे। मेरी बेटी है ये, जो साइन करवाना है मुझसे करवाइए, कि उसके कोई नहीं होते। चलिए। मिस्टर फरहान, आपको घर जाके आराम करना चाहिए। इनके कंडीशन को कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो बिल्कुल ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने अनम से वादा किया था, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। आई नीड टू रेस्ट मिस्टर फरहान। एनीवेज, I shall take leave. I hope you take my advice. Berang sa mera jahan tha aisa kab mera sama jab se mila hai tu tujhse thank you.
Hello. How is my sweetheart doing today? तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में आज पूरा मार्केट घूम लिया मैंने, बट फाइनली डैंटन योर फेवरेट ड्रेस, कितना परेशान हुई पता है ये ढूंढने में, देखो तुम पे कितनी अच्छी लगेगी ये ड्रेस अनम। उठो ना प्लीज। वो वक्त मुझे कितना याद आता है अनम जो हमने साथ में बिताया, देर रात तक फोन पे बात करना, सिनेमा, पॉपकॉर्न, गॉसिप। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है अनम जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। उठो ना प्लीज। अच्छा सुनो, कल जब मैं आऊं तो तुम ये नई ड्रेस पहन के, मेकअप करके, बकायदा हंसते हुए मुझे वेलकम करोगी, समझी? जल्दी अच्छी हो जाओ अनम प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूं, कल आती हूं, जल्दी से अच्छी हो जाओ, हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। कल जब मैं आऊं और अगर तुम मुझे तैयार नहीं मिली तो बात नहीं करूंगी तुमसे सच में। बाय। अनम याद है तुम्हें ये फोटो? ये पहली फोटो थी जो हमने एक दूसरे के साथ ली थी। तुम्हारी फ्रेंड याद है सारा, उसने ली थी ये फोटो। सुना है कि सारा की शादी हो गई, तुमने उसे विश किया था ना? ये सिनेमा टिकट है, ये पहली मूवी हमने एक दूसरे के साथ देखी थी, सलमान खान की मूवी, तुम्हारा फेवरेट हीरो। उस दिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। लेकिन क्या करता यार, उस दिन सच में बहुत ट्रैफिक था। और मैंने जब तुमसे कहा था, तुम्हें याद है कि तुम हर बात अपनी मनवाती हो, तो कितना गुस्सा हो गई थी तुम मुझ पे। पूरे 3 दिन लगे थे मुझे तुम्हें मनाने के लिए। ये देखो मेरे पास क्या है, ये चॉकलेट। ये चॉकलेट तुमने मुझे क्लास के बीच में चुपके से दी थी, तब तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया था, सिर्फ दोस्ती हुई थी हमारी। अनम आंखें खोलो ना प्लीज, बस बहुत हो गई नींद। देखो तुमने मुझसे वादा लिया था ना कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और अब तुम ही मेरा साथ छोड़ रही हो। अनम प्लीज, देखो तुम तो कहती थी ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। कितने ख्वाब देखे थे हमने साथ मिलकर। अनम, मैं उन ख्वाबों को अकेला पूरा नहीं कर सकता।
अनम प्लीज प्लीज अनम प्लीज आई नीड यू अनम, जिंदगी तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल है अनम, प्लीज आई नीड यू प्लीज। देखो तुम्हारे फरहान को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ अनम, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। तुझसे राबता जब से मिला है तू, तुझसे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोफिया, क्या जरूरत थी इतने सारे जूसेस बनाने की? मेरे लिए तो बस ये ऑरेंज जूस ही काफी है। फरहान, मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं आपको क्या अच्छा लगे। सोफिया, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, और इन जूसेस की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। एक्सक्यूज मी, हेलो। अच्छा, आप ऑलरेडी ऑफिस पहुंच गए? अरे मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। ओके ओके, हलसीन ऑफिस, बस थोड़ी देर में मिलते हैं, मुझे जाना होगा। ओके फरहान, ये क्या बात हुई, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ये टोस्ट ले लो ना। सोफिया मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, ठीक है? लेकिन फरहान, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब तैयार किया है। अच्छा चलो ठीक है, ये लो, खुश, सी यू। फरहान, क्या हुआ सोफिया? गाड़ी की चाबियां। ओह थैंक्स। आओ। क्या हुआ सोफिया, तुम ठीक तो हो? सोफिया हम डॉक्टर के पास चलें। बेबी ने किक मारी है, शायद आपको खुदा हाफिज कहा। अच्छा बाबा, तो ये बात है, बेटा हम ऑफिस से आते हैं, तब तक आप अपनी मम्मी का ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फरहान, फरहान। हाँ बोलो सुफिया। आपके लिए फोन है, हॉस्पिटल से कह रहे हैं, अर्जेंट है। हॉस्पिटल से? हेलो, हेलो फरहान, तुम हो कहाँ? फरहान, अनम को होश आ गया है, और जब से होश में आई है सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रही है।
तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाओ। अनम को तुम्हारी बहुत जरूरत है फरहान, जल्दी आ जाओ। बाय। लेकिन समारा, फरहान व्हाट हैपेंड? फरहान बताएं तो सही, हुआ क्या है? अनम को होश आ गया। अनम? अनम कौन? उसे होश आ गया। आप हॉस्पिटल जाएं? आप कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं। थैंक यू सोफिया, लेकिन तुम आराम करो प्लीज, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे का फोन आया, उसने बताया कि अनम को होश आ गया और वो सबसे पहला नाम मेरा ले रही है। और सोफिया भाभी? फिलहाल मुझे सिर्फ अनम की फिक्र है, वो बेचारी किस हाल में होगी। वेट 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 वेट, क्या तू अब तक अनम से? आर यू आउट ऑफ योर माइंड डूड? सोफिया भाभी का क्या होगा? शी इज 8 months प्रेग्नेंट। तू तो गया बॉस, तू तो गया। ओ मेरा प्लीज मजाक मत कर, अनम अभी कोमा से उठी है यार, उसे मेरी जरूरत है। मैं यार ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वो अभी भी मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूँ। और सोफिया भाभी, उनका क्या? सोफिया का क्या यार, वो भी मेरी बीवी है और इस बात से मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। देख भाई, इस सिचुएशन में मेरे पास तेरे लिए एक ही सलाह है। जिस तरह तूने अनम का सारा सच सोफिया भाभी के सामने रख दिया है, ठीक उसी तरह सोफिया भाभी का भी सच अनम के सामने रख दे। देख, एक झूठ छुपाने के लिए तुझे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। रेस्ट यू नो। तुम कब से मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ही तलाश कर रही थी। अनम, मैं यहां हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। अंकल नजर नहीं आ रहे? अंकल नहीं आए? पापा, अंकल की डेथ को 10 महीने हो चुके हैं फरहान, 10 महीने। What are you saying? 10 महीने हो गए? I'm sorry, अनम, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता चलता भी कैसे? कहाँ थे तुम? हाँ, पूरे 1 साल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूं मैं,
और पूरे एक साल से तुम्हारा फोन स्विच्ड ऑफ है। और ये उमेर, कितना फोन किया मैंने तुझे, कभी बिजी कभी स्विच्ड ऑफ, मुझे तो लगता है जानबूझ के तुम इग्नोर करते रहे। तुम्हारा अभी खामोश हो जाओ तुम, फरहान आ गया है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब आ गया है तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है? सुमायरा, कोई बात नहीं, मेरा फरहान मेरे साथ है, मेरे पास है, बस इससे बढ़के मेरे लिए और कुछ नहीं, और कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही है। हेलो, हेलो, हाँ सोफिया, क्या हुआ फरहान, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने आपको इतने मैसेजेस भी भेजे, मुझे फिक्र हो रही है, अब कैसी हालत है अनम की? अभी पता चला है कि उसके फादर की 10 महीने पहले डेथ हो गई और अभी उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सोफिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे यहां क्यों नहीं ले आते हमारे घर? सोफिया, आर यू श्योर? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? यस, आई एम श्योर। यहाँ उसकी प्रॉपर केयर हो जाएगी, वरना बेचारी जाएगी कहाँ? सोफिया, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। इट्स ओके, मैं आप लोगों का घर पे इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस्टर फरहान, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक डॉक्टर। एनीवेज कंग्रेचुलेशंस, फाइनली योर वाइफ इज आउट ऑफ कोमा नाउ। एनीवेज थैंक यू डॉक्टर। अनम, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। बोलो। अनम, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात आराम से सुनोगी और ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगी। अनम, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। व्हाट? अनम प्लीज, प्लीज समझने की। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? अनम, क्या हुआ? चलो मेरे साथ घर, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलोगे, चलो। फरहान, क्यों? क्यों? अनम, मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं हालात माय फुट। तुम चुप रहोगी जमायरा? तुम को बात करने दो। तुम तो बीच में बोलो ही मत। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो बिल्कुल बीच में मत बोलना आज। अनम, 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 तुम चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। बस अब बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। अनम, तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कैसे? कैसे फरहान? अभी तुमने कहा ना, तुमने दूसरी शादी कर ली, छोड़ दिया अपनी अनम को, छोड़ दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसके साथ जाने की, चलो मेरे साथ। समायरा प्लीज, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं और किसी को हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अनम, मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। अनम, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ अभी घर चलना ही होगा। दूसरी शादी का हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया, तुम आज भी मेरी बीवी हो। चलो मेरे साथ। अनम, कहाँ जा रहे हैं हम? फरहान, मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? अनम, फिलहाल
मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। अपने घर? कौन से घर? वहां जहां तुम्हारी बीवी और मतलब हद करते हो तुम, दूसरी शादी तुमने की, अब तुम मुझे वहां लेके जा रहे हो जहां तुम्हारी दूसरी बीवी रहती है। मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम गाड़ी रोको अनम। गाड़ी रोको फरहान। अनम प्लीज बात फरहान, ऐसे रोको गाड़ी। अनम प्लीज। अच्छा एक मिनट, मैं रोक रहा हूँ। अनम घर चल के आराम से बात कर लेते हैं। मुझे नहीं जाना किसी के घर। अनम कहाँ जा रही हो? अनम 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 मेरी बात सुनो यार, मेरी बात तो सुनो। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक होती है तो देखते हैं कि क्या सूरत निकलती है। लेकिन अनम इस वक्त मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले आप मुझे छोड़ के दूसरी शादी करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते। वाओ, हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। अनम प्लीज गाड़ी में आके बैठो। फरहान प्लीज, चलो गाड़ी में बैठो। फरहान प्लीज। अनम मैं कह रहा हूं ना। ये तुम्हारा घर है फरहान? हाँ अनम, ये मेरा और सोफिया का घर है। और हमारा घर, उसका क्या किया? अनम उस घर की अब जरूरत नहीं थी तो फिर वो घर हमने बेच दिया, सोफिया की यही ख्वाहिश थी। और मेरा क्या, मेरे बारे में सोचा तुमने कभी? फरहान तुम इतना गिर जाओगे, मैंने नहीं सोचा था। 6 साल जिस लड़की ने तुम्हारा साथ निभाया, जिसके साथ तुमने प्यार मोहब्बत के वादे किए, कसमें खाई, उसकी ख्वाहिशों को बेच दिया। ओह सॉरी, अब मैं समझी कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये झूठी शान और शौकत ये मैं नहीं दे सकती थी ना तुम्हें। मैंने तुमसे बड़ा मौका परस नहीं देखा इस पूरी दुनिया में। तुम ऐसा कर सकते हो? काश फरहान तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा ही शख्स मिलता, फिर तुम्हें एहसास होता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोफिया, ये अनम है। अनम, सोफिया। बहुत सुना है आपके बारे में। वेल, लंच मैंने तैयार कर दिया है, आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। हमारा कमरा कहाँ है? मैं खाना पकवाती हूँ, आप अनम को इनका कमरा दिखा दें। मुबारक हो फरहान, तुम
बाप बनने वाले हो? इतना ही है या और भी सरप्राइजेस है मेरे लिए? अनम प्लीज प्लीज आप मुझे ताने देना बंद करो। अनम मेरे हालात को समझने की कोशिश तो करो। वो सोफिया तुमसे कितने अच्छे से बात कर रही थी, तुम थोड़ा सा तो अच्छे तो से क्या करूं? गले लगा लूं जाके उसे, तो मुबारकबाद दूं ये वो मेरे शोहर के बच्चे की मां बनने वाली? काश काश फरहान तुम थोड़ा सा समझ पाते कि असल बात रिश्ते बनाना नहीं, रिश्ते निभाना होता है। अनम तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। प्लीज प्लीज अनम थोड़ा तो सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। सिचुएशन क्या? सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ है। 2 साल के बाद मैं कोमा से बाहर आई हूं और तुम मुझे मेरी सौतन के घर ले आए हो। कम ऑन फरहान, तुम्हारे लिए ये सब ठीक होगा। अनम अनम देखो मेरा खुदा जानता है उस वक्त मैं कितना मजबूर था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अनम प्लीज अनम तुम स्ट्रेस मत, देखो प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो। अनम देखो मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा प्लीज अब तुम प्लीज चुप हो जाओ और चलो कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना लग गया है, आप लोग आ जाइए। खाना बहुत ही टेस्टी है, आपका कुक काफी अच्छा खाना बनाता है। खाना सोफिया ने बनाया है, कुक छुट्टी पर है। वैसे किस्मत वालों के नसीब में होता है अपने शोहर के लिए खाना बनाना, सबकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, नहीं? बाय द वे सोफिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, यू शुड ट्राई दाल। रियली? यप गुड। काफी अच्छी दाल है पर नमक ज्यादा है, शायद इसलिए तुम्हारा जिस्म ज्यादा सूज गया है। जी हाँ, इसमें नमक ज्यादा है, नॉर्मल प्रेग्नेंट औरतों से कुछ ज्यादा ही डबल साइज नहीं हो गई हो? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना सोफिया? अब दोनों खाना खाएं, मैं फ्रूट्स लेकर आती हूं। तुम्हें सोफिया से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गलत क्या कहा है? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की फिक्र कर रही थी, उसे नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अनम कोई बात कहने का तरीका भी होता है। फरहान पहले तुम देखो कि तुम अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह का सलूक करते हो। सोफिया सोफिया आई एम सॉरी, अनम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फरहान आपने देखा उसने मुझसे किस तरह बात की, और ऊपर से उन्होंने कहा कि स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं उनका साफ साफ ये मतलब था कि मैं मोटी हूँ। लेकिन फरहान उन्हें पता होना चाहिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ,
वरना मैं भी अच्छी खासी दुबली हुआ करती थी। सुफिया मैं जानता हूँ तुम बिना वजह परेशान हो। देखो वो अभी कोमा से उठी है इसीलिए वो थोड़ी ऑलफुल बातें कर रही है। फरहान वो इतनी वेल शेप्ड है मैं दिन रात उसे देखूंगी। आपको एहसास भी है कि कितना मुश्किल होगा मेरे लिए एक सौतन के साथ रहना और अल्लाह जाने वो कब जाएंगी यहाँ से। सुफिया प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो वो अभी कोमा से उठी है अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और तुमने सुना ना उसका बीज दुनिया में कोई नहीं है। देखो मेरी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए मैं उसका ख्याल रखूं। और हाँ तुमने तो कहा था कि उसे यहाँ लाने के लिए और अब तुम्ही इतनी इनसिक्योर हो रही हो। मैं कैसे इनसिक्योर ना हूं वो इतनी स्मार्ट है। मैंने तो सोचा था कि 2 साल कोमा में रहने के बाद कोई मरीजा होगी जिनको आप यहाँ लेके आ रहे हैं। फरहान कहीं आप और वो। सोफिया मैं तुम्हारा शौहर हूं मेरी तुमसे शादी हुई तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलती होने दूंगा ठीक है। अब रिलैक्स हो जाओ। आसानी से हार नहीं मान सकती। तुम अपनी जिंदगी को तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम अपनी मोहब्बत को किसी रास्ते चलते को उठा के ले जाने दो और या अपनी किस्मत का फैसला खुद करो। किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं खुदा के हाथ में है। शायद इसलिए मैं और फरहान साथ में नहीं है। इसलिए खुदा ने फरहान को सूफिया से मिलाया और आज उन दोनों की शादी हो गई। फरहान सूफिया के बच्चे का बाप बनने वाला है। फरहान का नहीं सूफिया का नहीं। कम से कम मुझे उस आने वाले मासूम बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कहीं फरहान को हासिल करने की इस जंग में मैं उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना कर दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे फरहान और सूफिया की जिंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए। वो बच्चा उस फरहान की लालच और अमीर बाप की बेटी सूफिया का कसूर है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी फरहान के नाम कुर्बान कर दी। अब अगर तुम नहीं उठोगी अब अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी तो कल अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का दिफा तुम नहीं कर सकती। फरहान पर तुम्हारा जायज हक और तुम्हें उसे हासिल किसी भी हाल में करना होगा। तुम यहां मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? क्यों अब मैं तुम्हारे बेडरूम में भी नहीं आ सकती क्या? देखो अनम तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मेरा पूरा हक है तुम पे। अनम देखो मैं ऑलरेडी बहुत मुश्किल में हूं। प्लीज प्लीज मेरी और मुश्किलें मत बढ़ाओ। अगर सोफिया ने यहां पे तुम्हें देख लिया ना एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। इससे पहले सोफिया यहां पे है तुम यहां से चली जाओ प्लीज। सोफिया 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 तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि मैं कैसी हूं? कितनी अकेली हो गई हूं मैं। एक तुम्हारा ही तो आसरा था और तुम भी इस तरह से मुझसे भाग रहे हो। क्यों
अनम प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अभी सोफिया इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो। और कितना वक्त पर मैं थक गई हूं। अनम प्लीज प्लीज आई कांट डू दिस, अनम सोफिया आई कांट डू दिस। फरहान मुझे शॉपिंग करने जाना है, कुछ कपड़े खरीदने, लेके चलोगे? तो चलते हैं ना, एक काम करते हैं, मुझे भी कुछ जरूरी चीजें लेनी है, मैं वो ले लूंगा और तुम शॉपिंग कर लेना। और हाँ सोफिया, तुम कह रही थी कि तुम्हें बेबी के लिए कुछ लेना है, एक काम करते हैं हम तीनों ही साथ चलते हैं, क्यों? तुम दोनों चले जाओ, मुझे नहीं जाना। सोफिया कोई बात नहीं। अनम क्या हो गया है यार तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है फरहान? जब देखो तब उसी की तरफदारी करते रहते हो। कौन सा जादू कर दिया उसने तुम पर? भूलो मत, पहले तुम्हारी शादी मुझसे हुई, मेरा हक तुम पर है पहले। अनम कौन से हक की बात कर रही हो तुम यार? ठीक है मेरी पहले तुमसे शादी हुई थी, मेरा तुम्हारा रिश्ता ज्यादा पुराना है, लेकिन अनम ये तुम कैसे भूल सकती हो कि सोफिया भी मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की मां है, उसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अच्छा फरहान, अब उसका हक मेरे बराबर हो गया, वो अब मेरे बराबर हो गए। ओ गॉड, कहां फंस गया हूं, किस मुश्किल में फंस गया? इस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है, छोड़ दो सोफिया को। या को छोड़ दो? अनंत तुम होश में हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? सोफिया मेरी बीवी है। क्या बड़ी बात, जिस तरह से तुमने मुझे छोड़ा था वैसे ही सोफिया को भी छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारी तो पुरानी आदत है बीवियों को छोड़ने की, तो अब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? छोड़ दो उसे भी। अरे वाह, लगता है आप अपनी फिटनेस की बहुत केयर करती हैं। यस ऑफ कोर्स,
फिटनेस का ध्यान नहीं रखूंगी तो मोटी नहीं हो जाऊंगी। एंड यू नो मोटी बीवियां किसको पसंद होती हैं? नो मैटर, हस्बैंड्स अपनी बीवियों को कितना भी यकीन दिला दें कि वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बट 24/7 कौन सा शोहर अपनी मोटी बीवी को बर्दाश्त करेगा? यू नो इसलिए मैं हमेशा टिप टॉप रहना चाहती हूँ। बात तो आपकी सही है अनम, पर माँ बनने की खुशी ना एक औरत के लिए सबसे बड़ी होती है, लेकिन अफसोस से खुशकिस्मती हर किसी के नसीब में नहीं होती। जॉग पे चलना है? मैं जॉगिंग नहीं कर सकती। वॉक ही कर लेना, थोड़ा कुछ तो कम होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज शाम हमें डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना है, याद है ना? ओ हाँ। मैं कोई 2 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, तैयार रहना। ठीक है। और अनम कैसी है? अनम ठीक है। हम दोनों पार्क जा रही हैं। पार्क? सोफिया आ रही हो? ओके, तुम्हें याद है ना स्टार्टिंग मंथ में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी और डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा एग्जिट करने के लिए मना भी किया था, याद है? अच्छा एक काम करते हैं, आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो तुम उनसे सलाह ले लेना, अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले अनम, आप जाएं, मैं नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। फरहान अभी 2 घंटे में आते ही होंगे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। वैसे भी उन्होंने मना कर दिया, वो कहते हैं कि इस हालत में मुझे पार्क नहीं जाना चाहिए, अगर वो नहीं चाहते तो मैं नहीं जा पाऊंगी। सोफिया, क्या तुम कोई छोटी सी बच्ची हो? जो फरहान कहेगा तुम वही करोगी? मेरे साथ भी वो ऐसी बिहेव करता था, ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, एंड ऑल दैट टू मच। उसके इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जब हमारी शादी हुई थी, पता है वो एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन भी बस गाड़ी पे कम ध्यान था और बातों पे ज्यादा, इसलिए तो एक्सीडेंट हुआ हमारा। सच में? हाँ, तो उसकी आदत है हर चीज को कंट्रोल करने की, स्पेशली वाइफ पे हुकुम चलाने की कुछ ज्यादा ही। लेकिन अनम, वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। सोफिया, तुम इतनी मासूम हो, तुम्हें कोई भी इसलिए बेवकूफ बना सकता है, तुम समझती नहीं हो। अब देखो, हम बीवियां जब तक चाहें तभी तक ये शोहर हम पे हुकुम चला सकते हैं, वरना नहीं। अब जैसे उसने तुम्हें मना कर दिया एक्सरसाइज करने से, सोचो बच्चा होने के बाद अगर तुम मोटी की मोटी रह गई तो उसके बाद तो फिर वजन घटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं फरहान से डरती नहीं हूँ और मैं अपने डिसीजंस ना खुद लेती हूँ। मैं आपके साथ पार्क चलती हूँ। वेरी गुड, चलो, दैट्स इज स्पिरिट। तेज नहीं चल सकती मेरी तरह, थोड़ा अच्छे से। तुम बहुत तेज चलती हो। कम ऑन। अनम, तुम तो बहुत तेज दौड़ लेती हो, मुझसे नहीं होता। कोई बात नहीं सोफिया, धीरे धीरे तुम भी रफ्तार पकड़ना सीख जाओगी। जॉगिंग करते करते गला सूख जाता है ना एकदम। मैं सोच रही हूँ एक एनर्जी ड्रिंक पी लूँ, तुम्हारे लिए भी लाऊं? अनम, आई डोंट थिंक कि इस हालत में मुझे एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए, और अगर फरहान को पता चला तो कयामत ही आ जाएगी। फरहान फरहान फरहान, ओहो फरहान से इतना घबराने की क्या जरूरत है? यू आर अ फ्री वुमन, कम ऑन यार। वैसे भी एक एनर्जी ड्रिंक ही तो है, अगर उसे पता भी लग गया तो कोई तूफान नहीं आएगा। आई थिंक यू आर राइट, चलो मेरे लिए भी एक ले आओ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू।
energy drink. Thank you. Welcome. मजा आ गया. तो रिफ्रेशिंग ना. अनम, तुम बहुत अच्छी हो. मुझे सीरियसली नहीं पता था कि तुम इतनी स्वीट हो. हाउ स्वीट सोफिया, यू आर सो स्वीट. अस्सलाम वालेकुम फरहान. वालेकुम अस्सलाम. सोफिया तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें डॉक्टर के पास जाना है. और ये एनर्जी ड्रिंक, सोफिया हैव यू लॉस्ट योर माइंड? यार तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब तुम्हें अलाउड नहीं है. पर दिमाग ठीक है फरहान, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत. आप मुझे कंट्रोल मत कीजिए. कंट्रोल सोफिया, व्हाट रबिश. मैं कंसर्न हूं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं. ये हमारी बेबी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. ये मेरा बेबी है और मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगी. मैं ये एनर्जी ड्रिंक भी पीऊंगी और मैं जॉगिंग के लिए भी जाऊंगी. जॉगिंग? सोफिया तुम जॉगिंग के लिए गई थी? सोफिया तुम मेरे मना करने के बावजूद जॉगिंग करने गई? बस फरहान, मेरा खुद का भी दिमाग है और मुझे उसका इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है. I don't need you telling me what to do all the time. इससे all of a sudden क्या हो गया? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? अनम, ये बातें तुमने सोफिया के दिमाग में भरी? या अल्लाह फरहान, ये इस तरह से मुझ पर क्यों ब्लेम कर रहे हो? और तुम लोगों की आपसी झगड़े में मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, पर जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं दोबारा ना करें. मैं सोफिया नहीं हूं जो चुपचाप सुनूंगी. अनम प्लीज यार, अब तुम तो ऐसे बिहेव ना करो. बिहेव ना करो? कैसे बिहेव करो? थोड़ा समझदारी से काम लो यार. समझदारी? वाह, वैसी समझदारी जो आपने मेरे साथ की, वैसी समझदारी दिखाऊं मैं? Come on. मैं नहीं जानती जो मैं कर रही हूं वो सही है या गलत. I'm sorry for hurting you. But I have no choice. हो सके तो मुझे माफ कर देना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आप? जी मेरा नाम सैफ. अनम है. सैफ? अनम. Look at you. You're on time. पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो. थैंक्स सो मच. नमस्ते. यू लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल. थैंक यू. मैं अपना बैग अंदर भूल गई हूँ, बस दो मिनट में लेकर आती हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. आई वेट फॉर यू इन द कार. ओके, सी यू. इट वाज नाइस मीटिंग यू फरहान. सी यू. सी यू. कौन था ये बंदा? ये समायरा का कजिन था. यूएसए से अभी एक महीने पहले आया है. क्यों? समारा का कजन? मैं तो किसी ऐसे कजन को नहीं जानता. ऐसी कई बातें हैं जो मैं भी नहीं जानती थी. अनम, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक है? कोई खास ताल्लुक नहीं है, बस डिनर पे जा रही हूँ. ओह, मैं किसी और के साथ डिनर पे जा रही हूँ, ये देखकर तुम्हें जेलसी हो रही है? वैसे तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए. अनम, मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी कहाँ जा रही है ये जानने का मुझे पूरा हक है. हक? हक जताना आता है, बीवी को उसका हक देना नहीं आता. अनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
Wow, you're looking so pretty. Thanks. आप कहीं पार्टी में जा रही हैं? नहीं, मेरा फ्रेंड आया है, बस उसी के साथ डिनर पर जा रही हूँ. Wow. आलम, देखो, रात के 9 बज रहे हैं. फरहान, डिनर रात को ही किया जाता है. अगर वो जाना चाह रही हैं, तो उन्हें जाने दीजिए. वैसे भी आपको ना हर किसी को टोकने की आदत है. मैं अपना बैग लेकर आती हूँ अंदर से. एक मिनट रुकिए, एक मिनट. ये मेन डोर की कीज़ हैं. जस्ट इन केस यू गेट लेट. थैंक यू, यू आर सो स्वीट. थैंक यू. बारह बज गए, अनम अभी तक नहीं आई. ये लड़की जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है. मैं आपसे एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? सोफिया बोलो. आप मेरी तरफ देखिए पहले प्लीज. बोलो. फरहान, आपको नहीं लगता कि अब अनम ठीक हो गई है और उन्हें इस घर से जाना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ रहेंगी तो हम दोनों के बीच गलतफहमियां होती रहेंगी, और उन्हें वैसे भी तो जाना ही है. तो प्लीज आप जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से कहीं और भेज दीजिए. एंड सीरियसली, उनके यहाँ होने से आपके लिए उन्हें छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल हो जाएगा. फरहान, कहीं आप मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रहे हैं? सुफिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? फरहान, मैं जानती हूं पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता. आप तो मेरी पहली मोहब्बत हैं, मगर अनम, अनम आपकी पहली मोहब्बत है. देखो सोफिया, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें दिलो जान से कबूल किया है, और अब बस यही एक हकीकत है. आप सच कह रहे हैं? ऑफ कोर्स सोफिया. और सोफिया, मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहा करो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम खुश रहोगी तो इसका असर हमारे होने वाली बेबी की सेहत पर पड़ेगा. प्लीज अपना ख्याल रखो, और प्लीज अब सोचो. कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं फरहान, बस किचन तक. कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, सोचा फ्रिज में से आइसक्रीम ले. आइसक्रीम? सोफिया, आर यू ओके? तुम जानती हो तुम्हारी डायबिटिक कंडीशन के लिए आइसक्रीम कितनी खराब हो सकती है. और हाँ, कल ही तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हें कम से कम मीठा खाना चाहिए. फरहान, आई नो तुम यूं ही टेंशन ले रहे हो. इट्स शुगर फ्री आइसक्रीम. ओह, शुगर फ्री. अच्छा, काम करो, तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ. नहीं नहीं फरहान, मैं चली जाती हूँ. अरे मैंने कहा ना, तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ. हो गया तुम्हारा डिनर? हाँ, बहुत अच्छा था. सैफ एक इटालियन रेस्टोरेंट में लेके गया था, क्लासी से, रोमांटिक एम्बियंस, सब कुछ इतना परफेक्ट, अमेजिंग फूड.
बहुत मजा आया. यू नो फरहान, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम समवन मेड मी फील सो स्पेशल. एनीवेज आई समान अनम अनम जब से मिला है तू तुझसे राबता. फरहान. सोफिया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो आपको आइसक्रीम लेने भेजा था, आप यहां इसके साथ. ये सब हो क्या रहा है? सोफिया, तुम गलत सोच रही हो. आई कैन एक्सप्लेन. सोफिया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है. एक्चुअली वो. हाँ सोफिया, हम ठीक कह रही है. तुम गलत सोच रही हो. हाँ, मैं गलत सोच रही. सब कुछ साफ साफ मेरी नजरों के सामने है और मैं गलत सोच रही हूँ. सोफिया, आई कैन एक्सप्लेन. ऐसा कुछ. अनम, जस्ट लीव इट. तुम जब से मेरे घर में आई हो फरहान को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो. लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी. जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस. इनफ सोफिया, कैसी बातें कर रही हो ये तुम? भूलो मत, पहले मेरा निकाह हुआ है इनसे और तुमसे पहले मैं इनकी जिंदगी में आई हूँ. हाँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर इन्होंने मुझसे शादी की है. अगर इनकी जिंदगी में तुम्हारी इतनी सी भी अहमियत होती ना तो मुझसे शादी नहीं करते. इस बात को तुम अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो. सुन रहे हो क्या कह रही है ये? सोफिया बस अब बहुत हो, अब खामोश हो. मैं तुम्हें एक मिनट और बर्दाश्त नहीं करूंगी. गेट आउट ऑफ माय हाउस. सुन रहे हो तुम क्या कह रही है? कुछ कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रही है और तुम चुपचाप खड़े हुए सुन रहे हो. बस यार, बस बस बहुत हो गया. खुदा के लिए तुम दोनों खामोश हो जाओ प्लीज. सोफिया, सोफिया तुम भी यार. सोफिया तुम भी बिना वजह टेंशन ले लेती हो. सोफिया, फरहान आप कह दीजिए इसे यहां से चली जाए. फरहान, ये मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है और तुम कुछ नहीं कह रहे. फरहान, तुम इसे कह दो कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए. यार तुम दोनों खामोश हो जाओ प्लीज. यार इस तरह से किसी मसले का हल निकाला जाता है क्या? निकाला जा सकता है. फरहान, बता दो इसे कि तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितना पहले करते थे. अनम, तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहां से. फरहान बस छोड़ो इसे यहीं और चलो मेरे साथ. चलो तुम. अनम प्लीज यार, इसकी सिचुएशन तो देखो, इसकी हालत देखो. तुम अभी खड़ी क्यों? जस्ट गेट आउट. सोफिया प्लीज, तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ प्लीज. ठीक है फरहान, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए. गलती मेरी ही है. अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी. अनम, ये क्या कर रही हो तुम यार? बस ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मेरे साथ नहीं रहना है फरहान. मैंने सबसे बड़ी गलती की है. सबसे बड़ी गलती मेरी थी. जो अरे मैडम, क्या हो गया तुम्हें? तुम जैसे इंसान से निकाह किया. अनम, सबसे बड़े बुजदिल इंसान से. मुझे नहीं रहना है तुम लोगों के साथ. क्या समझते हो तुम लोग? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी. प्लीज यार, ये सब चीजों को रखो यार. अनम, अनम, अनम मेरी बात सुनो. देखो कुछ भी हो, अनम, अनम मेरी बात सुनो. अनम, अनम देखो, अनम, अनम देखो, मैं इस वक्त तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता. मिस्टर फरहान, आई कैन टेक केयर ऑफ मायसेल्फ. मैं तुम्हारी इस बीवी की तरह बुजदिल या कमजोर नहीं हूँ. मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. फरहान, अनम देखो प्लीज यार. तुम लोगों को एक दूसरे का साथ मुबारक हो. यू गाइस रियली डिजर्व वन अनदर. टेक केयर. अनम, अनम मेरी बात सुनो. अनम, अनम. फरहान, फरहान. सोफिया, सोफिया क्या हुआ? सोफिया, सोफिया, सोफिया आंखें खोलो. सोफिया, सोफिया, सोफिया. Thank you.
तुझसे राबता जब से मिला है तू तुझसे अनम, अनम देखो इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है हाँ तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और देखना सब ठीक हो जाएगा अनम अल्लाह सब ठीक कर देंगे थोड़ा यकीन रखो प्लीज मैं देखती हूँ उमेर अब क्या चाहिए तुम्हें क्या मैं अंदर आ सकता हूं मुझे अनम से कुछ जरूरी बात करनी है समायरा कौन है उमेर आया है तुमसे कुछ जरूरी बात करने है हाँ आने दो आप यहां कैसे सुफिया की हालत बहुत सीरियस है क्या कैसे जिस दिन तुम फरहान के घर से निकले उस दिन शायद स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया वो वहीं पर कोलैप्स हो गई उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया और उसकी ब्रेन में स्ट्रोक आ गया और अब वो कोमा में है या अल्लाह अल्लाह जाने उसे कब होश आएगा तो यहां क्या लेने आए हो अनु फरहान रियली नीड्स यू नाउ वो बिल्कुल टूट चुका है वाह एक बीवी नहीं तो दूसरी बीवी सही जाके कह दो अपने फरहान से कि रहे अपनी लाडली अमीर बीवी के पास एंड आई एम रियली सॉरी बट अनम अब उसकी कोई मदद नहीं करेगी समरा प्लीज तुम चुप रहोगी मैं अनम से बात कर रहा हूं ना अनम फरहान रियली नीड्स यू नाउ वो बहुत अकेला है और बिल्कुल टूट चुका है मैं जानता हूं उससे गलती हुई है बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती का वो अकेला जिम्मेदार नहीं मतलब फरहान की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे सच कहने की नहीं तुमने कभी सच जानने की कोशिश की मगर अगर तुम सच सुनना ही चाहती हो तो सुनो फरहान आज के बाद तुम मेरी बेटी के करीब नजर नहीं आओगे अंकल ये आप क्या कह रहे हैं वही जो तुम सुन रहे हो मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से अंकल ये इसमें इसका क्या कसूर है ये तो किस्मत की बात है नहीं नहीं किस्मत की नहीं सारा इसी का कसूर है इसका इसका तो साया भी बनू से मेरी बेटी के लिए जब तक ये इसकी जिंदगी में है मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी नहीं होगी ठीक देखो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं अगर तुमने मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत की है तो चले जाओ इसकी जिंदगी से अकेला छोड़ दो हमें चले जाओ आज से तुम्हारा और अनु का रिश्ता खत्म अब्बू ने कहा और वो मुझे छोड़ के चला गया नहीं जाता अगर उसकी अम्मी उसे मजबूर ना करती देख बेटा मैं तुझे इस तरह उदास और तन्हा और नहीं देख सकती
मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा। अरे अम्मी बोलिए। दूसरी शादी कर ले बेटा, देख मना नहीं करना, ये मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। देख इसके बाद ना मैं चैन से अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले पाऊंगी। अम्मी अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, अम्मी कुछ नहीं होगा। अम्मी आप जानती हैं मैं अनम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। अम्मी अनम की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। मैं सब जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरा ये गम मुझसे और नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं देखा जाता। तू सोफिया से दूसरी शादी कर ले। देख तू मुझे वादा कर। अरे अम्मी 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 आप अपने को संभालिए। अम्मी तू मुझे वादा कर, तू सोफिया से शादी कर। अच्छा अम्मी ये लीजिए, अम्मी आप पानी पी लीजिए। पहले तू वादा कर, तू पहले मुझे वादा। अच्छा अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दूसरी शादी करूँ, ठीक है अम्मी? अनम फरहान ने दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी की खुशियों के लिए की। वो तो आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अनम तुम उसके पास प्लीज चली जाओ, मैं तुम दोनों को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकता हूं यार। फरहान बहुत कोशिश कर पर वो टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो उसे भी सहारा मिलेगा कि तुम्हारे सिवा उसके पास कोई है ही नहीं। अनम के कोमा में जाने के बाद, हाँ ये सच है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था किसी और को अपनी जिंदगी का साथी बनाना, लेकिन सोफिया मेरा खुदा गवाह है, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुमसे प्यार करने की, एक अच्छा शौहर बनने की, अपना फर्ज निभाने की और अनम को भूल जाने की। मैंने बहुत कोशिश की सोफिया। सोफिया ये देखो, आंखें खोलो, तुम वहां पर गई हो सोफिया, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। लौटाओ सोफिया, लौटाओ सोफिया, लौटाओ सोफिया। इतना मुश्किल था मुझे सब बताना, इतना मुश्किल। एक बार सच बता कर तो दे। उमेर ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हारी और सोफिया की गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। ये ना इसमें तुम्हारा क्या कसूर? शायद हमारी किस्मत में यही था। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी भी बहुत बड़ी गुनहगार हूं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। आप बिल्कुल अपनी अम्मी पर गई हैं। الله أكبر الله أكبر الله
ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरे भाई। ईद मुबारक। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई जब उमेर ने मुझे फरहान का सच बताया। मैंने तो यही समझा था कि मैंने हमेशा के लिए फरहान को खो दिया, मगर आज मुझे एहसास हो गया है कि खुदा के अपने नायाब तरीके होते हैं और जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छुपी होती है। यकीन और दुआएं बेशक नजर ना आए लेकिन नामुमकिन को मुमकिन जरूर बना देता है। आज हमारा एक मुकम्मल खानदान है। हमारी दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, अलीशा और रमायजा। एक तोहफा सोफिया ने दिया और एक फरहान ने मुझे दिया, मगर आज हमारी जिंदगी में सिर्फ एक कमी है। सोफिया आज तक कोमा में है। बस अब हम सबको बेसब्री से इंतजार है तो सिर्फ एक बात का कि हमारी सोफिया जल्द से जल्द हंसती खेलती हमारे बीच वापस आ जाए, और इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्द होगा। मुझे यकीन है कि मेरी ये दुआ बहुत जल्द पूरी होगी। आमीन।